चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं नहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 286 रुपीज की, और बुक वैल्यू है 325 रुपीज की। प्रोड्यूस की स्कोर है 6 का। 1988 में बनी थी ये जो कंपनी है। ट्रांसपेरेंट एंड मेटलाइज्ड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म बनाते हैं ये। तो ये जो है यहाँ पे आपको इनके बारे में और डिटेल यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो ये जो है बीओपी पे फिल्म्स हैं, और अलग अलग ग्रेड्स की बनाते हैं, अलग अलग थिकनेस की बनाते हैं, जो कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं अलग अलग लेमिनेशन में, रिवर्स प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, डेकोरेशन में और अलग अलग चीज़ों में यहाँ इस्तेमाल होती है। और इस तरीके से अपन इनके अलग अलग चीज़ों में इनकी ये फिल्म्स यूज़ होती हैं। अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स, पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है कंपनी की, 6.22% लास्ट 3 ईयर से। अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है 10.7 करोड़। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी ने डेब रिड्यूस किया है, कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.90 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ने मेंटेनिंग हाई हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19.5%। ठीक, जो अपना डिविडेंड पे आउट है वो हेल्दी मेंटेन किया हुआ है 19.5% का। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है 0.92 करोड़ लाख का है यहाँ इस क्वार्टर में। उसके पहले जो है -5.20 करोड़ का निगेटिव था, उसके पहले 12.18 करोड़ का, उसके पहले -2.23 करोड़ का, उसके पहले 3.99 करोड़ का था। तो इस तरीके से यहाँ पे कम ज़्यादा होता रहता है इनका प्रॉफिट। और जो है ओवरऑल आप देखते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस पे 6 करोड़ का यहाँ पे काफ़ी कम 2024 में प्रॉफिट हुआ, उसके पहले 43 करोड़ का था। प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया इनका, पहले 98 करोड़ का था, फिर 63 करोड़ का था। तो कम होने के हिसाब से अगर देखें तो 98 करोड़ के बाद 43 करोड़, सीधा उसके बाद 6 करोड़, तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। मगर मगर यहाँ प्रॉफिट कम होने के बावजूद भी इन्होंने 43% का डिविडेंड पे आउट किया है। अब देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो 17 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -38 करोड़ का है, उसके पहले फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 11 करोड़ का है। तो -33 करोड़ का नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 71.48% का प्रमोटर होल्डिंग है, FIS की होल्डिंग है 0.06% की, DIS की होल्डिंग है 0.01% की, गवर्नमेंट होल्डिंग है 0.00% की, और 28.45% जो है पब्लिक होल्डिंग है, 28.45% पब्लिक होल्डिंग। चलिए अब यहाँ पे अगर अपन देखें अगर यहाँ एक और चीज़ अपन देखें तो यहाँ प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 1% से कम की है, 1% से थोड़ा ज़्यादा, 70.85% से 71.48%, तो होल्डिंग भी कम की है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो दो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक्स हैं। तो हम 328 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं, उसके पहले हम कोई व्यू नहीं बनाने वाले हैं। तो 328 के बाद ही है, और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, 1% का SL लेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करेंगे, और उसमें अपने हमेशा अपनी क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे जितने का कि अगर 1% का SL आप पहले से कैलकुलेट कर लें कि जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हैं उससे 1% डाउन कितना होता है, और उसके बाद फिर उसको अगर आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं या 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो क्वांटिटी ऐसी लीजिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर दें और तुरंत आपको पता चल जाएगा आपका नेट टू नेट अगर मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है। फिर अगर उसके बाद अगर आपके लेवल को ब्रेक करता है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर ट्रेल करते चलें। अगर आपको सीखना है तो आप लोग हमारे एडमिशन ले सकते हैं, हमारे यहाँ लगातार अपडेट होने वाला कोर्स है ये। तो आप जैसे एडमिशन लेंगे आपको कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास मिलती जाएगी और आप उससे लगातार सीख सकते हैं। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।